are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 18, games we play. And today I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. In which game does the catcher have to raise one leg and chase the other players to catch them? किड्स, कौन सी गेम में कैचर जो होता है उसे अपने एक टांग को उठा के चलना होता है और दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना होता है? तो यस किड्स, आपको पता है ना, लंगड़ी टांग में जो कैचर होता है उसे अपना एक लेग उठाना होता है और एक लेग से ही भागना होता है और बाकी प्लेयर्स को पकड़ना होता है. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, लंगड़ी टांग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन अ रिंग? कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसे रिंग में खेला जाता है? तो यस, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाउस हाउस, लूडो, रेसलिंग एंड सेवन टाइल्स, तो उसमें से रेसलिंग जो है वो रिंग में खेला जाता है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, रेसलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कैन बी प्लेड इनडोर्स? कौन सी गेम ऐसी है कि जो हम घर के अंदर खेलते हैं जिन्हें हम इंडोर गेम भी कहते हैं? तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, लंगड़ी टांग, कबड्डी, हाइड एंड सीक एंड चेस, तो जो चेस है वो इंडोर गेम है जिसे हम घर के अंदर खेलते हैं. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, चेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हाट इज द गेम ऑफ हॉपस्कॉच प्लेड? किड्स, जो हॉपस्कॉच होती है वो किसकी मदद से खेली जाती है? तो यस, उसमें हमें एक मार्कर की जरूरत होती है, एक थिप्पी की जरूरत होती है, उससे ही वो गेम खेली जाती है. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, मार्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हाट इज द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स प्लेड? किड्स, आप स्नेक लैडर खेलते हो ना, तो वो किसकी मदद से खेला जाता है? यस, उसमें हमें डाइस की जरूरत पड़ती है. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, डाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डू वी यूज द रूफ्स ऑफ आर हाउसेस? किड्स, कौन सी गेम खेलने के लिए हमें हमारे घर की छत पर जाना पड़ता है? तो यस, पतंग उड़ाने के लिए हमें हमारी छत पर जाना पड़ता है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, काइट फ्लाइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट नीड अ बॉल? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी गेम ऐसी है कि जिसमें बॉल की जरूरत नहीं पड़ती है? तो वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस एंड कबड्डी. तो यस, कबड्डी में हमें बॉल की जरूरत नहीं होती है. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, कबड्डी. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? तो यस, जो हॉकी है वो इंडिया की नेशनल गेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेम प्लेड विथ अ बैट एंड अ बॉल इज डैश. जो बैट और बॉल के साथ गेम खेली जाती है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे हम क्रिकेट कहते हैं ना. आप खेलते हो ना किड्स क्रिकेट? लेट्स सी, नेक्स्ट इज देयर इज अ किंग, अ क्वीन, अ हॉर्स एंड सोल्जर्स इन द गेम ऑफ डैश. किड्स, कौन सी गेम ऐसी है जिसमें किंग होता है, क्वीन होती है, हॉर्सेस होते हैं और सोल्जर्स होते हैं? यस, कौन सी गेम है? चेस. चेस में किंग, क्वीन, हॉर्सेस एंड सोल्जर्स होते हैं. तो हमारा आंसर होगा चेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेम ऑफ 52 कार्ड्स इज नोन एज डैश. किड्स, कौन सी गेम ऐसी है जो 52 कार्ड्स की मदद से खेली जाती है? वो गेम को हम क्या कहते हैं? यस, उन्हें हम प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन दैट कैन फ्लाई एंड गो फार अवे विदाउट विंग्स इज अ डैश. किड्स, कौन सी चीज ऐसी है कि जिसके विंग्स नहीं है फिर भी वो फ्लाई करती है? यस, काइट के विंग्स नहीं होते हैं फिर भी वो फ्लाई करती है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इन द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स वन कैन कम डाउन विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. किड्स, स्नेक लैडर में हम अगर नीचे आते हैं तो लैडर की मदद से नीचे आते हैं? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है. अगर रास्ते में स्नेक आ जाता है तो वो स्नेक की वजह से ही हम नीचे आ जाते हैं और लैडर की वजह से तो हम सीधे ऊपर चले जाते हैं. तो ये सेंटेंस फॉल्स है.
next question is, the game of लंगड़ी टांग is played in a circle made on the ground. लंगड़ी टांग की जो गेम है वो सर्कल में ग्राउंड के अंदर खेली जाती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गेम ऑफ हाउस हाउस इज प्लेड ओनली बाय गर्ल्स. जो घर घर हम खेलते हैं वो सिर्फ लड़कियां ही खेलती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओनली 4 प्लेयर्स आर नीडेड फॉर द गेम ऑफ चेस. चेस की गेम में 4 प्लेयर्स की जरूरत होती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉल इज यूज टू प्ले हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच खेलने के लिए हमें बॉल की जरूरत पड़ती है, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि हॉपस्कॉच खेलने के लिए मार्कर की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लार्ज ग्राउंड इज नीडेड टू प्ले क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के लिए बड़े से ग्राउंड की जरूरत होती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट द डेन हाइड. हाइड एंड सीक वाली गेम में सारे ही बच्चे छिप जाते हैं, पर जिसका दाव होता है, जिसका टर्न होता है, वो नहीं छुपता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट. लेट्स सी, फर्स्ट इज चेस. तो चेस में क्या क्या होता है? किंग, क्वीन, एलिफेंट और हॉर्स होते हैं ना, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्रिकेट. तो क्रिकेट में हमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो बॉल, बैट, स्टंप्स एंड फील्ड, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन. नेक्स्ट इज स्नेक्स एंड लैडर. तो स्नेक्स एंड लैडर में हमें डाइस की जरूरत होती है, तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन. नेक्स्ट इज हॉपस्कॉच. तो हॉपस्कॉच में हमें मार्कर की जरूरत होती है, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, मार्कर. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच गेम्स डू यू प्ले. आप कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं तो खेलती हूँ बहुत सारी गेम्स. आई प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हाइड एंड सीक, डॉज बॉल एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम्स वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द सोसाइटी. किड्स, हमने चैप्टर में देखा ना कि कुछ बच्चे लेन में, स्ट्रीट में गेम खेल रहे थे. वो लोग कौन सी गेम खेल रहे थे? लेट सी द आंसर. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉपस्कॉच इन द सोसाइटी. चिल्ड्रन हॉपस्कॉच खेल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नीडेड टू प्ले हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच खेलने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत होती है? यस, अ मार्कर इज नीडेड टू प्ले हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच खेलने के लिए हमें मार्कर मतलब थिप्पी की जरूरत होती है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम्स डिड चाची प्ले व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. किड्स, चाची जब छोटी थी तब वो अपने बचपन में कौन सी गेम्स खेला करती थी? यस, आपको पता है किड्स, चाची यूज टू प्ले लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स, कबड्डी एंड मैनी अदर गेम्स. चाची तो उनके बचपन में बहुत सारी गेम्स खेला करती थी, जैसे कि लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स, कबड्डी और भी बहुत सारी गेम्स वो खेलती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम्स डिड चाचा प्ले व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. चाचा उनके बचपन में कौन सी गेम्स खेला करते थे? लेट सी द आंसर. चाचा यूज टू प्ले वेरियस गेम्स लाइक मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाइंग. चाचा उनके बचपन में मार्बल्स खेला करते थे, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और वो पतंग भी उड़ाते थे. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द चिल्ड्रंस गेम स्टॉप. बच्चों की गेम स्टॉप क्यों हो गई? लेट सी द आंसर. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद चाची व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, सो देयर गेम स्टॉप्ड. बच्चे और चाची जो है वो सब लोग मिलके गेम खेल रहे थे हॉपस्कॉच, और अचानक से बारिश हो गई, तो इसीलिए बच्चों की गेम स्टॉप हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस. चाची के घर पे जाने के बाद बच्चों ने कौन सी गेम्स खेली? लेट सी द आंसर. आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस द चिल्ड्रन प्लेड हाउस हाउस, कैरम एंड चेस. चाची के घर पे जाने के बाद बच्चों ने घर घर खेला, कैरम खेली और चेस की गेम खेली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम वर चाचा एंड आंट मींस बुआ प्लेइंग व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू चाचीज हाउस. किड्स, बच्चे जब चाची के घर पे गए तो बच्चों ने क्या देखा कि चाचा और बुआ कौन सी गेम खेल रहे थे? लेट सी द आंसर. व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू चाचीज हाउस, चाचा एंड आंट वर प्लेइंग चेस. बच्चे जब चाची के घर पे गए तब चाचा और आंटी मींस बुआ जो है वो चेस खेल रहे थे.
Now kids, our next topic is answer the following questions in brief. Let's see the first question. What do your family members do beside their work? Kids, आपके family members उनके काम के अलावा और भी क्या काम करते हैं? Let's see the answer. Beside work, my family members read, chat, go for walks, go to the temple, water the garden and interact with the neighbors in their free time. मेरे फैमिली मेंबर्स जो है वो उनके फ्री टाइम में बुक्स रीड करते हैं, उन्हें बातचीत करना पसंद है, फिर वॉक पर जाते हैं या टेंपल जाते हैं या प्लांट्स को पानी देते हैं या नेबर्स के साथ बातचीत करते हैं। नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स? गेम्स खेलने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? लेट्स सी द आंसर। वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम्स। फर्स्ट, आर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और हेल्दी भी होगी। सेकेंड इज वेरियस स्किल्स आर डेवलप्ड विद अस। हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होगी। नेक्स्ट इज द फीलिंग ऑफ लिविंग टूगेदर डेवलप्स। हमारे अंदर साथ में रहने की भावना डेवलप होगी। नेक्स्ट इज वी फील हैप्पी ऑन विनिंग एंड लर्न टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स वी मेड व्हेन वी लॉस। द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इंक्रीजेस। किड्स, जब भी हम जीतते हैं तो हम खुश तो होते ही है, राइट? पर जब हम हारते हैं तो उसे कैसे एक्सेप्ट करना है और हमारी कहाँ पर गलती हो गई जिसकी वजह से हम हार गए, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन लाइक स्पिरिट जो है वो इंक्रीज होती है। एंड लास्ट इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप आवर बॉडी एज वेल एज आवर माइंड। गेम्स से हमारी बॉडी तो डेवलप होती है पर साथ में हमारा माइंड भी डेवलप होता है। तो किड्स, आपको पता चला ना कि गेम्स खेलने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सो किड्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।